नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी कुमार पिंटू है और आप देख रहे हैं सीएम इंडिया टीवी सिने आजकल। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की जा रही है। इस पेड़ कटाई के दौरान आज एक घटना अजीबोगरीब सामने आया। पीपल के वृक्ष को काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीन तथा जेसीबी को लेकर के पेड़ के पास आया गया। जब ही इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीन को पीपल के पेड़ में सटाया गया, कुछ ही देर चलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीन का शॉर्ट कर जाना, खराब हो जाना, यह किस बात का सूचक है? आइए हम देखते हैं किस तरह से मशीन खराब हुआ। पूरी बात यहाँ के एटीएम के गार्ड से। सीएम इंडिया टीवी सीने आजकल के लिए मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम एसबीआई के एटीएम गिद्धा के पास या पीपल के वृक्ष में जेसीबी आया काम करने के लिए। पूरी प्रक्रिया आइए यहाँ के गार्ड से जानते हैं। पहले मशीन आया, पहले उस समय मशीन इनको काम कर रहा था। जब टीम में लगाए, जब पीपल के पेड़ में लगाए, हाँ, तो उस समय इनका टोटल शॉर्ट कर गया और मशीनें काम नहीं कर रहा है। कई बजे आया था ये? आ गए 8:30 बजे आ गए। अच्छा, मैंने ये जो कहने का मतलब है कि जो ही पीपर में लगाए काटने के लिए, गिराने के लिए, तो उसी समय मशीन इनका काम ही नहीं किया। उस समय से काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है। उस समय एक छेद लगाए तो काम किया, फिर उसके बाद तो काटने की कोशिश किया, मशीनें शॉर्ट कर गया। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? तो ये जब पूजा पाठ होता है, देख ही रहे हैं कि सब पूजा पाठ होता है, औरत सब आती है, पूजा पाठ करती है सब। मेरे कहने का मतलब है कि आस्था इसमें लोगों का जुड़ा हुआ है। हाँ, देख नहीं रहे हैं, सब तो पूजा पाठ हो रहा है। आप लोग लाइव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से अब पीपल का वृक्ष में जो है पूजा किया हुआ है, तो पूजा पाठ है। इनका कहना है कि लोगों का आस्था इस पेड़ से जुड़ा हुआ है। एटीएम में भीड़ होने के कारण लोग छांव में बैठा करते थे। बड़ी मशक्कत करने के बाद मशीन को ठीक किया गया। एक पेड़ तो किसी तरह से काट दिया गया, दूसरा पेड़ काटते समय फिर जनरेटर खराब हो गया। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को सद्गुणों का समुच्चय कहा गया है। बताया गया है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो कि 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। सीएम इंडिया टीवी सीने आजकल के लिए मैं अश्वनी कुमार पिंटू, धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज। नमस्कार।